हेलो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 2.1 का रिमेनिंग क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको नीचे जो पॉलिनोमियल्स वगैरह दिए गए हैं उसमें से आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो आपको कोफिशियंट ऑफ एक्स निकालने बोला है, तो आप उस टर्म पे जाएंगे जहां पे एक्स स्क्वायर होगा। तो इस टर्म पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों, देखिए आप इस टर्म पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को हटाना है और वहां उसी टर्म पे जो बचेगा उसको हम कोफिशियंट बोलते हैं। जैसे यहां से अगर मैं एक्स स्क्वायर को हटा दूंगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 रहेगा। इसके आगे में क्या रहता है? 1। तो इसका कोफिशियंट कितना होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इस वाले पॉलिनोमियल में 1 होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब यहां भी आपको कोफिशियंट बताना है एक्स स्क्वायर का, तो ये इस वाले टर्म पे एक्स स्क्वायर है, यहां से एक्स स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या बचेगा आगे में? माइनस 1। तो इसका कोफिशियंट क्या होगा? माइनस 1 होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। यहां देखते हैं कौन से टर्म पे एक्स स्क्वायर है, इस वाले टर्म पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को हटा देता हूं तो क्या बच जाता है? पाई बाई 2। तो हो गया पाई बाई 2 आपका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब चलिए लास्ट वाले नंबर 4 पे जाते हैं। नंबर 4 का क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रूट ओवर 2x माइनस 1। अब मुझे किसका कोफिशियंट बताना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है। क्या इस सवाल पे एक्स स्क्वायर है दोस्तों? नहीं है, तो कोफिशियंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कवर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ते हैं। 3 को करने से पहले, मैं क्वेश्चन को पहले से लिखा हुआ हूँ, 3 को करने से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ने के लिए हमें एक डेफिनेशन जानना जरूरी होगा, जिसे कहते हैं डिग्री। तो हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कोई भी पॉलिनोमियल में हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल को ही हम डिग्री कहते हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कवर करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ढूंढना है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब पहला वाला टर्म में वेरिएबल्स क्या है? x। x का पावर कितना है दोस्तों? 3। सेकेंड वाले टर्म पे वेरिएबल्स क्या है? x। x का पावर कितना है? 2। और यहाँ पे x का पावर कितना है दोस्तों? 1। अब 3, 2 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या हुआ दोस्तों? 3 हुआ। तो यहाँ का डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। 4, इसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो इसको देखेंगे नहीं। माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे y है, y एक वेरिएबल्स है, इसका पावर कितना है? 2। तो यही हाईएस्ट पावर हो गया और किसी के पास वेरिएबल्स नहीं है, तो यही हो जाएगा आपका डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ आगे बढ़ते हैं। 5t माइनस रूट ओवर 7। अब यहाँ t है, t एक वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर कितना है? 1। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है। तो नंबर 4, यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 दिया है, ठीक है, इसके पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसके पास एक वेरिएबल्स है जिसका पावर 0 है, कुछ नहीं है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 0 दोस्तों, ठीक है। तो ये था डिग्री का कंसेप्ट। अब एक डेफिनेशन और मैं आपको बताऊंगा, जो कि है, अगर डिग्री 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, डिग्री 3 होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बोलना है कौन से लीनियर है, कौन से क्यूबिक है एंड कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताया था, जहां डिग्री 1 होगा उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जहां डिग्री 2 होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और जहां डिग्री 3 होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 1, तो यहाँ पे पावर कितना है? 2 है, यहाँ पे पावर कितना है? 1, तो डिग्री कितना हुआ? 2। अगर डिग्री 2 होता है तो ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आगे बढ़ते हैं। x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर कितना है? 3।
3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ 3, जो कि हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल दोस्तों। तो यहां लिखेंगे हम क्यूबिक। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यहां वाई का पावर कितना है 1, यहां वाई का पावर कितना है 2, यहां तो वेरिएबल्स है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर कितना हो गया दोस्तों 2, मतलब डिग्री 2 हो गया। तो डिग्री 2 जब होता है तो उसे क्वाड्रेटिक बोला जाता है, तो इसीलिए हम यहां लिखेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 1 प्लस एक्स, यहां वेरिएबल्स नहीं है, यहां एक्स का पावर कितना है 1, अगर पावर 1 होता है मतलब डिग्री 1 होता है तो क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 3t, यहाँ t का पावर कितना है 1, मतलब डिग्री 1, अगर डिग्री 1 होता है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब आ गया नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, r स्क्वायर डिग्री कितना हो गया 2, जब डिग्री 2 होता है तो क्या बोलते हैं उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, तो इसे हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे। और एक सवाल बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7, 7x³, यहाँ x का पावर कितना है 3, मतलब डिग्री 3 है, अगर डिग्री 3 होता है तो क्या बोलते हैं क्यूबिक, क्या बोलेंगे क्यूबिक। तो एक सवाल और छूटा हुआ है, तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ी देर के लिए रखा हुआ था ताकि आपका डिग्री का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो मैं आपको बताऊं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 बताना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 बताना है। तो बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल मतलब वन टू टर्म होता है, मोनोमियल मतलब वन टर्म होता है, और ट्राइनोमियल मतलब ओनली 3 टर्म होता है, ठीक है। मोनोमियल हो गया ओनली 1 टर्म, बाइनोमियल हो गया ओनली 2 टर्म, और ट्राइनोमियल हो गया ओनली 3 टर्म। तो ऐसा बाइनोमियल बताना है जिसका डिग्री 35 हो, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, एक्स का पावर को 35 बना दीजिए, डिग्री 35 हो गया, अब इसको बाइनोमियल बनाना है, कुछ भी एक नंबर ऐड कर दीजिए, तो ये 2 टर्म हो गए तो बाइनोमियल हो गया और डिग्री इसका 35 हो गया। अब आपको मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, कोई भी एक वेरिएबल्स ले लीजिए जिसका पावर क्या करना है आपको 100 करना है, अब ये एक ही टर्म वाला मोनोमियल्स हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 2.1 का रिमेनिंग क्वेश्चंस कवर किया, आगे और एक्सरसाइज 2.2 बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच।